बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। यूँ कहा जाए अगर कि दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली है तो ये बात गलत नहीं होगी। वाकई दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है। लेकिन एक अगर ये कहा जाए कि अगर दुनिया की इतनी तरक्की याफ्ता बातों में हम यहाँ देखें कि इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, तो ये बात भी गलत नहीं होगी। बाकी तमाम चीज़ों को छोड़ देते हैं, क्या इस बात पर इत्तफाक कर सकते हैं कि मेरा बाप भी इंसान, मेरी माँ भी इंसान, मेरी बहन भी इंसान, तो मेरी बेटी भी इंसान? और जब इंसान नहीं समझते ना, तो क्या होता है वो देखिए कुछ यूं। मोटरवे ज्यादती केस, मरकजी मुलजम आबद अली को पुलिस पकड़ने में ताहाल नाकाम। फिरोजवाला में खुदा की बस्ती में 5 मुलजमान ने खातून को शौहर के सामने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। मरवा के वालिद को अभी यकीन दिलाया है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से कि जो कुछ बन पड़ेगा वो हम करेंगे इस दरिंदे को पकड़ने के लिए। बात अगर इंसान समझने की आती है तो वो तो बहुत दूर की बात है। बेटी और माँ और औरत तो समझते ही नहीं। अगर मैं ये पूछूं हम सबसे एक सवाल के तौर पे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या इंसान नहीं हूँ, क्या मैं सांस नहीं लेती, क्या मुझे हक नहीं है जीने का, क्या मैं बाहर निकलूंगी तो लोग जो हैं कहेंगे यूं क्यों निकली, और अगर कोई यूं कहने वाला जवाब भी नहीं देने वाली उम्र होगी तो उसका जवाब दे फिर कौन है? यूं कहा जाए अगर कि ज़रूरत इस बात की है कि हम औरत, बेटी, माँ, बच्ची, पहले मुझे इंसान तो तस्लीम कर लो, मुझे ये तो समझो कि मैं एक इंसान हूँ, मैं सांस लेती हूँ, मुझे इन सारे खानों में बाद में डालना कि मैं क्या हूँ, लेकिन पहले मुझे इंसान समझो क्योंकि मैं सांस लेती हूँ। माया कहानी की स्पेशल ट्रांसमिशन ललकार आपके सामने बराह रास्त News1 TV1 वसेप पर। आज की ये कोशिश, ये एक आवाज़ है, ये एक पुकार है, ये एक चीख है, ये एक कोशिश है, ये एक मूवमेंट की शक्ल इख्तियार करेगा अगर आप, मैं, हम सब एक दूसरे को इंसान समझ लें तो। आज की ये ट्रांसमिशन आप बराह रास्त एक साथ 3 प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। इस ट्रांसमिशन में आपकी बहुत सारे शुरका से मुलाकात होगी जो किसी और नज़रिए से नहीं, एक इंसान होने की हैसियत से हमारी ट्रांसमिशन में आज आएंगे। क्यों ना अपनी आवाज़ अब निकाली जाए, क्यों ना अपनी चीख अब सुनाई दे, क्यों ना अपनी ललकार का वक्त खुद लाया जाए। आइए मिलकर इस ट्रांसमिशन को पूरे भरपूर तरीके से जिम्मेदारी को निभाते हैं कि अब हमारा ख्याल है कि हमारी अब आवाज़ सुन लेनी चाहिए। तमाम जितने भी लोग आएंगे आप देखेंगे इस ट्रांसमिशन में, जो लोग आ रहे हैं वो क्या आवाज़ लेकर आएंगे, वो बच्ची की आवाज़ क्या है, वो बेटी की आवाज़ क्या है, वो बहन की आवाज़ क्या है। ललकार एक कोशिश, एक काविश, एक कदम। जब इस बात को सोचा जाए कि आप और मैं रेपिस्ट को आज़ाद कर दिया जाता है, क्या कानून इम्प्लीमेंट होता है? हम एक औरत को कहते हैं तुम्हारी इज्जत लूट गई। औरत की इज्जत नहीं लुटी, जिसने जुल्म किया ज़ाती की इज्जत उसकी गई, बेइज्जती उसकी हुई, बदनामी उसकी हुई, नाम खराब उसका हुआ, लेकिन वो ये करने वाला भूल गया कि वो भी तो एक औरत से पैदा हुआ है, वो औरत भी तो किसी की बेटी थी, वो औरत भी तो किसी की माँ थी, वो औरत भी तो किसी की बहन थी। लेकिन जालिम को गुनाह करते वक्त, जुल्म करते वक्त, कत्ल करते वक्त ये ख्याल नहीं रहता। इस वक्त ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, हमारे साथ रहिएगा बराह रास्त। आप देख रहे हैं माया कहानी, एक खसूसी नशरियात ललका।